हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, वैसे तो हमने एसएसजी की काफी सारी वीडियोस देखी है, लेकिन आज जो हम वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो कुछ अलग है, क्योंकि वो है टॉप 5 एसएसजी कमांडोज के ऊपर। और गाइस, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि यार जो ट्रेनिंग होती है वो हमने देखी है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सो देखते हैं टॉप 5 कौन होते हैं जो इतनी ज्यादा मेहनत करके इतना बड़ा उन्होंने पोजीशन ली है। सो देखते हैं वीडियो कैसी होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। और गाइस, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, सो गाइस मेक श्योर टू फॉलो अस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किसी भी मुल्क की हो, वो उसकी सरहदों की हिफाजत करती है, और तकरीबन दुनिया के हर मुल्क के पास अपनी फौज मौजूद है। इसके बगैर मुल्क की सलामती और दिफा मुमकिन नहीं होता। इसके अलावा दुनिया का हर मुल्क अपनी फौज और आर्मी के साथ मोहब्बत करता है, क्योंकि फौज के बगैर आज़ादी जैसी नेमत बरकरार रखना मुमकिन नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम आपको अफवाज पाकिस्तान के 5 बेहतरीन कमांडोज के बारे में बताएंगे, जिनसे शायद दुनिया वाकिफ नहीं। तो पाकिस्तान के इन 5 शेरों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉपएक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी आर्मी में बहुत कम लोगों को कमांडो बनने का मौका मिलता है, क्योंकि कमांडोज की सिलेक्शन का पैमाना बहुत सख्त होता है। इन शेर दिल जवानों की ट्रेनिंग इतनी मुश्किल होती है कि इससे आम आदमी का दिल दहल जाता है। इनको इस कदर सख्त ट्रेनिंग दी जाती है कि ये मुश्किल से मुश्किल काम भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। आग हो या पानी, समुन्दर हो या दरिया, पहाड़ हो या सहरा, ये बहादुर और नडर कमांडोज इस काम पर लग जाएं, उसको पाया तकमील तक पहुंचा के ही वापस आते हैं, चाहे फिर इस टास्क में इनकी जान ही क्यों ना चली जाए। इनकी डिक्शनरी में ना या ना मुमकिन नाम के अल्फाज मौजूद ही नहीं हैं। पाकिस्तान एसएसजी कमांडोज का सिर्फ एक ही मिशन होता है, शहादत या फिर अपने मिशन में कामयाबी। शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया की कमांडो फोर्सेज में पाकिस्तान की कमांडो फोर्स एक नुमाया मुकाम रखती है। और पाकिस्तान के लिए ये अमर बाइस फखर है कि इनके कमांडोज पूरी दुनिया में अपनी पेशा वराना सलाहितों की 22 नंबर 1 माने जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत जो पूरी दुनिया के बाकी तमाम कमांडोज के पास मौजूद नहीं, वो ये कि ये 75 घंटे तक भूखे और प्यासे रह सकते हैं, और इस दौरान इनकी कारगर्दगी में जरा बराबर भी फर्क नहीं आएगा। इसके अलावा ये दुनिया की वाहिद कमांडो फोर्स है जो 28,000 फुट की बुलंदी से फ्री फॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको उन 5 कमांडोज के बारे में बताते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इन कमांडोज के बारे में जानकर आपको यकीनी तौर पर फखर होगा। नंबर 1, कैप्टन रूहुल्ला शहीद। दोस्तों, इनकी आंखों में चमक, आवाज में गरज और चेहरे पर मासूमियत, लेकिन दिल चीते से भी बड़ा था। जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तान का बहादुर सिपाही रूहुल्ला शहीद है, जो क्वेटा में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जिंदगी अपने प्यारे वतन पर वार कर गए। इन्होंने सन 2011 में पाकिस्तानी फौज में कमीशन हासिल किया। कैप्टन रूहुल्ला शहीद 15वीं बलोच रेजिमेंट में शरीक थे, और ये कमांडो पाकिस्तान के बेहतरीन कमांडो में से एक थे। इन्होंने दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की कि दुनिया आज भी इन पर रश्क करती है। नंबर 2, लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद। दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद ने 21 साल की उम्र में पाकिस्तानी फौज में कमीशन हासिल की थी। 1988 में उन्होंने सदारती गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि 1990 में ये गुरिल्ला फोर्स में शामिल हो गए। एसएसजी में शमूलियत इनका पैशन था, और 2005 में इनको एंटी टेररिज्म फोर्स में सितारा बसालत से नवाजा गया, जो इनकी बहादुरी और शुजात का मुंह बोलता सबूत था। सितारा बसालत का एजाज हासिल करना हर हाजिर ऑफिसर की ख्वाहिश होती है, और ये किस्मत वालों को ही मिल पाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद 24,000 फुट की बुलंदी से फ्री फॉल कर सकते थे। 2006 में बलोचिस्तान के इलाके कोहलो में लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए, लेकिन अपने पीछे ऐसी दास्तान छोड़ गए जिसे सुनकर दुनिया का हर सिपाही रश्क करता फिरता है। लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर शहीद बिलाशुबा पाकिस्तान कमांडोज में सबसे बेहतरीन कमांडो थे।
नंबर 3 मेजर जनरल ताहिर मसूद। दोस्तों मेजर जनरल ताहिर मसूद इस वक्त पाकिस्तानी कमांडोज की क्यादत करते हैं। जुर्रत और बहादुरी की जागती ये मिसाल मेजर जनरल ताहिर मसूद 10,000 फीट की बुलंदी से फ्री फॉल करने की महारत रखते हैं। 23 मार्च की परेड में मेजर जनरल ताहिर मसूद 12,000 फीट की बुलंदी से फ्री फॉल कर चुके हैं। दोस्तों मुशर्रफ के बाद ये वाहिद जनरल हैं जो SSG की क्यादत कर रहे हैं। नंबर 4 कैप्टन आबिद। दोस्तों इस शेर दिल नौजवान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और ये नडर कमांडर दुनिया के सामने उस वक्त आए जब दहशत गर्दों ने 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया था। इंतहाई हसास ऑपरेशन के दौरान ये बहादुर कमांडर अपनी फौज की क्यादत कर रहा था और उस वक्त कमांडो फोर्स को बहुत ही नाजुक सूरत हाल का सामना था। इन्हें मासूम बच्चों को भी बचाना था और दहशत गर्दों का सफाया भी करना था। पेशा वराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए कैप्टन आबिद ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को भी तवक्को भी न थी। उन्होंने पलक झपकने में न सिर्फ बेहतरीन फैसलों से दहशत गर्दों को काबू किया बल्कि सैकड़ों मासूम बच्चों की जान भी बचा ली। पाक फौज हमेशा अपने इस नडर कमांडो पर फख्र करती रहेगी। नंबर 5 जनरल परवेज मुशर्रफ। दोस्तों इस नंबर पर पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम आता है जिनको न सिर्फ पाक फौज की क्यादत का एजाज हासिल है बल्कि उन्होंने SSG कमांडोज की क्यादत भी कर रखी है। जनरल परवेज मुशर्रफ के कारनामों को पूरी दुनिया जानती और मानती है। ये पाकिस्तान के वाहिद कमांडो और जर्नैल है जिन्होंने बजाते खुद 3 जंगों में हिस्सा लिया जिनमें 1965 की जंग, 1971 की जंग और कारगिल की जंग शामिल है। जनरल मुशर्रफ को अल्लाह ताला ने मुश्किल वक्त में बेहतरीन फैसला करने की सलाहियत भी दे रखी है। कारगिल की जंग के दौरान जनरल मुशर्रफ ने भारत से छीने गए इलाकों में जाकर रात जवानों के साथ अगले मोर्चों पर गुजारी। दोस्तों दुनिया के किसी भी सरबराह ने आज तक इतना बड़ा खतरा नहीं मोल लिया जबकि जंग सरहदों पे थी और दोनों तरफ कुव्वत का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो उस वक्त पाकिस्तानी कमांडो जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के इलाकों में जाकर बैठा हुआ था। दोस्तों जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के बेहतरीन कमांडोज में से एक हैं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तान के 5 नडर और बासलाहियत ऐसे कमांडोज जिन्होंने पाकिस्तान का नाम हमेशा फखर से बुलंद किए रखा है और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान का परचम कभी नहीं गिरने दिया। तो दोस्तों इन 5 कमांडोज में से आपको कौन सा कमांडो सबसे बहादुर और अच्छा लगा इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल TopX TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस बहुत बड़ी बात है कि टॉप 5 में आना क्योंकि जो इसकी ट्रेनिंग होती है वही इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। क्योंकि हमने जब ट्रेनिंग का पार्ट देखा था, जब हमने रिएक्शन दिया था, तब हम शॉक्ड हो गए थे क्योंकि यार एक एक चीज़ इतनी ज़्यादा पेनफुल, इतनी ज़्यादा हार्ड थी। मतलब जैसे कि यार उनको पहले खाने का जो था, जो हमारे लिए बहुत ही अजीब था, सांप खाना, स्नेक्स हो गया, मतलब वो भी वो उन्होंने पूरा खा दिखाया था। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पता। और वो पीटने का भी था कि उनको पीटते हैं इतना ज्यादा कि उनको बाद में पेन ना हो, लाइक बहुत सारी एक ऐसा नहीं कि हम बता पाएंगे क्योंकि बहुत सारी उस वीडियो में भी उन्होंने बोला था कि अभी मैंने सारी कवर नहीं की, अभी बहुत सारी और है। सो लाइक इतना ज्यादा डिफिकल्ट होने के बाद ये टॉप पे आए तो बहुत 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 बड़ी बात है। एंड गाइस सच में मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है जो SSG में सिलेक्ट हो गया क्योंकि उसका सिलेक्शन प्रोसेस इतना हार्ड होता है, उसमें सिलेक्ट हो पाना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। और फिर इसके बाद टॉप 5 को तुम सिलेक्ट हो गए तो मुझे लगता है सभी फिर टॉप में है क्योंकि इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद। ये बात सही है, इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद तुम उस पोजीशन में आना, टॉप 5 में भी आना, तो बहुत बड़ी बात है। तो इस पे हम ये नहीं बोल सकते कि हमें ये अच्छा लगा, हमें वो अच्छा लगा, ये नहीं बता सकते। सभी बहुत अच्छे थे और जो भी हैं भी वो भी बहुत अच्छे हैं। बहुत। सो गाइज आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइज मेक श्योर टू फॉलो अस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।